हेलो गाइस, बैक टू बैक माय सिंधु सागर आर्ट क्लास एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम ये टॉपिक है मेरा कि आज हम बाल का लेंथ बताएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ड्रॉ कर दिया है, सिंपली ड्रॉस पेंसिल से, एच बी पेंसिल या 2B पेंसिल जो भी हो आपका, वो पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में किया हल्का हल्का ड्रॉ। अब हम बताएंगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, फर्स्ट, टू और थर्ड स्टेप में। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। बस फर्स्ट स्टेप में ये होता है, जर्नी आप हाथ को लेंथ में स्मूथली ग्रो कर देंगे। आप एक्चुअली जितना दूर पकड़ेंगे आपकी पेंसिल उतनी ग्लो करेगी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। बट ये अगर जहाँ डार्क एरिया है तो उसको आप डार्क पेंसिल से चला सकते हैं, ओके। लेकिन आपको ये जो पेंसिल है, पेंसिल का जो टेक्चर है वो स्मूथली रहना चाहिए। आपको पेंसिल अगर ज़्यादा नॉक हो तो उसको बहुत ही शार्प कर लेना चाहिए अच्छे से। जहाँ जहाँ डार्क है उसको हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ लाइट एरिया है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। क्योंकि मैं पहला स्टेप ले रही हूँ तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा पहला स्टेप कैसे है। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। HB2 पेंसिल का यूज कर रहे हैं, बट आप कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। बिगनर है तो बिगनर के लिए सही है। आई होप कॉलेज में जो स्टूडेंट लोग हैं प्रैक्टिकल के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टी चल रही है। ये हाथ की लेंथ है। हनी जो हनी मैन है, ये जो कलाई में ज़्यादा डार्क एरिया होते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादा डार्क ब्रेजर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि दूसरी पेंसिल का भी यूज़ करेंगे। तो अभी तो पहले स्टेप 2 चल रहा है।